जैसे कि हम लोग अभी आज आपने देख चुका है हम लोग नेरुल में आ चुके, सो अभी हम लोग जाने वाले हैं वंडर पार्क से दूर, बहुत मजा आने वाली है, बहुत यूनिक आप देख सकते हो। चलो दिखाते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग वंडर पार्क जाने वाले, सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये वंडर पार्क है, पूरा देख सकते हो। और गाइस सेकंड थिंग, अगर आपको जैसे कि स्टेशन से यहाँ पे आना तो आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो, साइकिल से भी आ सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रिक्शा का 20 रुपया भाड़ा है, और बाकी अगर आपको साइकिल से आना तो आप साइकिल से आइए, बाकी अदरवाइज आपको देखते हैं वंडर पार्क की टिकट कुछ 35 रुपये की रूट। आओ देखते हैं। रोनाल्डो यहीं पे फुटबॉल सीखा, मैं भी यहीं पे सीखूंगा। सुबह जहाँ पे आप चेस भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप चेस भी कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो गेम चल रहा है, मैं गेम चल रहा हूँ। और चेस अपने हाइट के ऊपर बहुत कम ही है, चेस देख सकता हूँ बाहर को दिख रहा है। सो हे गाइस, जैसे कि आपको सबीर ने बताया कि हम आज वंडर्स पार्क जा रहे हैं, तो अब हम आ चुके हैं वंडर्स पार्क में। अभी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 वंडर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ का नेचर काफ़ी अच्छा नेचर दिया है। यहाँ पर फैमिली के साथ आने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, और दूसरी बात सीटिंग अरेंजमेंट जो बोलते हैं बैठने की जगह सुकून से ही आपको यहाँ दिया जाएगा। तो अभी हम चलते हैं। गाइस आपने देखा काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सिटिंग बैठने की जो मैं बात कर रहा हूँ यही जगह है। पूरा गार्डन का व्यू ले सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हैं दिखाना शब्बीर भाई, दैट्स अमेजिंग। तो चलिए अब हम इनका नज़ारा तो देखिए, अब हम घूमते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए सब भी साथ में चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम 7 वंडर्स के यहाँ पे आ चुके हैं, और ये सबसे पहला अपना 7 वंडर्स से टकरा है जैसे स्टोन ऑफ ट्रीज, जैसे कि जॉर्डन में सिचुएटेड है, जॉर्डन में। और दूसरी बात आइए अभी हम चलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ।
ये आ गए हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलेंगे तो ये चाइना में सिचुएटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो भी है पिछले दिन तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो सीरीज दिया हुआ है जिससे बना टाइम ऑफ अर्थ फूड मटेरियल्स और ये बिल्ट ऑफ ईस्ट टू वेस्ट लाइन और इसकी जो मतलब रेंज है जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो किलोमीटर है वो ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब इतनी लंबाई दी गई है इसके अंदर आप देख सकते हैं। आ जाओ अरे देखिए ऐसा आएगा जैसे कि बताया विकास भाई ने चाइना का वो सब बता दिया। सो मैं बताने वाला हूँ जो ताजमहल भी यहाँ पर सेवन वंडर्स में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पूरी हिस्ट्री है इसकी। 1648 में ताजमहल बना था और सेकंड थिंग आप देख सकते हो नज़ारा देख सकते हो कितना प्यारा खूबसूरत है ताजमहल। जो भाई ताजमहल रहता हूँ यहाँ पर सेवन वंडर्स में आके ताजमहल देख सकते हो बिकॉज देख लो वैसा बना है बट पानी वगैरह नहीं यहाँ पे नज़ारा देख सकते हो। जैसे कि हम इजिप्ट के जो वहाँ पे पिरामिड बने हुए चिकन इट्जा वहाँ का सबसे फेमस सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, सेवन वंडर्स देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। बाकी यहाँ पे झूले खाने पीने सबकी व्यवस्था है, फूड कोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे हर चीज़ है, तो बेफिक्र आइए फैमिली के साथ, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, हर चीज़ का इंतज़ाम है, टॉयलेट से लेके हर चीज़ का इंतज़ाम है। 35 रुपीज़ में और क्या लेंगे आप। मैं नेरुल में ये सिचुएटेड है, काफ़ी अच्छी जगह है, एक बार आइए आप जरूर। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कॉलेशियम जो कि अपना सिक्स्थ है यहाँ पर। ये देखिए हम कॉलेशियम में आ चुके हैं, आप इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। कॉलेशियम में रोमन एम्पायर में लोकेटेड है, वहाँ का स्पेन एम्पायर था जो रीजन का दोस्त। एक और एक चीज़ भी यहाँ पे दूर जैसे कि क्राइज बिल्डिंग में देख सकते हो इन्फॉर्मेशन और दूर 130 फीट और 700 मीटर लंबा है रूट। सोच सकते हो आप बनाने वाले कैसा बनाया होगा रूट, अपन 3 माइल से नीचे देखेंगे तो अपनी जान में जाते 700 मीटर रूट। तो आप नज़ारा भी देख सकते हो यहाँ का, बहुत खूबसूरत से बनाया है। अभी फिलहाल लाइट नहीं चाली है बिकॉज अभी सिर्फ दोपहर हो, रात में तो और भी खूबसूरत दिखेगा लाइटिंग के, तो आप आ सकते हो। इन्फॉर्मेशन ऑफ माचू पिचू देख सकते हैं, माचू पिचू जिसके 15th century इन साइड लोकेशन 24-30 meters का जो उससे भी लंबा है और कितने बेहतरीन इतने खूबसूरत से बना है जो देख सकते हो। ये रहा माचू पिचू बना था जो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, खूबसूरती काफ़ी अच्छी बना है लगी जब नजदीक से देखेंगे तो आपको टेंशन में आ जाएंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। सो गाइस जैसे कि आपने देख लिया सेवन वंडर्स, जैसे कि द न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो 2001 से 2007 में इनिशिएटेड स्टार्टेड इन 2001, जैसे कि मैंने आप हमको बताया तो एक काफ़ी अच्छी बात है कि अपने इंडिया का ताजमहल भी इसमें 7 वंडर्स में है, काफ़ी अच्छी बात है। दूसरे लिए ये चीज़ बोलने जाएंगे कि अपने इंडिया में भी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो अपने को दूसरी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात देखने जाएंगे तो अभी जो भी आपने सेवन वंडर्स देखा ये हम आपको लाइट में भी दिखाएंगे, लाइट में और खूबसूरत दिखता है, तो इसके लिए हम आपके लिए थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि अभी समय जो हो रहा है वो 4:30-5 बज रहे हैं, तो हम अभी आपके लिए वेट करेंगे। 6-7 o'clock को जब लाइट ऑन होगी तब इसकी खूबसूरती देखने लायक होगी। तो चलिए अभी कुछ खाते पीते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फूड कोर्ट जैसे होता है, खाने पीने का आराम से बैठने का आराम से मतलब फैमिली का आराम से बैठ सकते हो, इतनी बड़ी जगह फूड कोर्ट यहाँ पे खाना पीना सब कुछ है। और यहाँ पे और जैसे कि आप बता सकते हो कि यहाँ पे खाने का जो रेंज भी है वो मिनिमाइज है, अपन मतलब ऑलमोस्ट मिनिमाइज अपन खा सकते हैं, जितना भी छोटा है मतलब कितने भी ज़्यादा पैसे लगने नहीं वाले, इसमें आराम से खा सकते हो आप देख सकते हो। Thank you.
है, वेज है, 120 रुपये की थाली है दो, हमने दोनों भी खाए फिर भी पेट भर गया, इतना सारा खाना। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ट्रेन आने वाले सोचे ट्रेन अभी यहाँ पे रुकी हुई है, इसका इंजन चेंज हो रहा है बिकॉज ख़राब हो गई और स्टेशन अभी यहाँ पे लास्ट स्टार्टिंग स्टेशन है, तो आओ देखते हैं कैसे ट्रेन, देख सकते हैं आप बैठना नहीं अंदर अभी। आज देर ट्रेन चालू हुई, कितना रुपये इसका? 25। इसका अलग से 25 रुपये आपको। अगर आपको लूडो खेलना है तो आप यहाँ पे आकर लूडो खेल सकते हैं, देख सकते हो जैसे कि आप लूडो यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, 6 नंबर डूब अंदर घुसा पड़ा है, तो अपनी नसीब में भी नहीं है तो भाई नसीब में भी नहीं है। आपको कहा था कि मैं आपको 700 रात में दिखाऊंगा, रात में उस लाइट में और काफ़ी अच्छा दिख रहा है 700, तो आपको मैं चलो दिखाता हूँ और काफ़ी अच्छा है, और मैं आपके लिए ही रुका हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रात के समय में भी आपको 7 वंडर्स पूरा बताऊंगा, तो चलिए आइए देखिए। आने वाला है ये वीडियो देखने में क्योंकि मज़ा आया ही होगा वीडियो देखने में क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखा 7 वंडर्स जो आपको मैंने दिन में दिखा है और लाइट में वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था नाइट में, और उनकी जो लाइट डिम लाइट्स है उसमें और काफ़ी अच्छा दिख रहा था, ताजमहल कॉलेशियम काफ़ी सही दिख रहा था, और उसके बाद फैमिली में आने के लिए फैमिली के साथ आने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, और उसके बाद ये कहना चाहूँगा टिकट भी ज़्यादा नहीं है, फूड कोर्ट में भी ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, तो 35 रुपीज़ टिकट है और हर जिले में बैठने का 25 रुपीज़, तो अपने हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, हमने अंदर बजट में बैठ रहा है, फैमिली के साथ आइए संडे को, सुबह का टाइम है 6 AM to 12 PM और शाम का टाइम है 3 PM to 9 PM, तो आइए और मज़े कीजिए और चलिए अलविदा कहता हूँ आपको।